ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं तप्तकाञ्चनगौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्य वेडुं शिरशिशिकि पिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रांते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृंदावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुं अभीक्ष्णशः याशां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे कुरि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनिरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। गलत लग गया ना, बाद में चेंज नहीं कर सकते। हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला षष्ठ परिच्छेद से श्रवण कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था जो जितने भी भगवान के भक्त हैं वो सारे भगवान का दास अभिमान करते हैं। दास अभिमान से जो सेवा है वो अन्यान्य भाव से सेवा में इस प्रकार आनंद नहीं मिलता है। इसलिए बोल रहे हैं
इस जगत में दास छोड़ करके, भगवान का दास छोड़ करके और कौन है? और कोई नहीं, मतलब सब भगवान के ही दास हैं। बता रहे हैं कि जो संकर्षण अपने सहस्र मुखों के द्वारा भगवान के बारे में वर्णना कर रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं, और वही जो है 10 प्रकार अपना देह विस्तार करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड में जो रुद्र हैं, शिव हैं, वो भी जो है, जो गुणावतार में आते हैं, वो भी भगवान के दास के रूप में उनकी सेवा करते हैं। कल हमने श्रवण किया था वहां तक, अभी हम 78 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तिहो कोरेनो कृष्णेर दास्य प्रत्याश निरंतर कहे शिव मुई कृष्ण दास। वो सदाशिव भी अपने आप को वो दास बनने के लिए आशा रखते हैं। वो शिव भी दास बनने की आशा रखते हैं और वो स्वयं बोलते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, है ना। वो एक कीर्तन में आता है ना, भक्तिनो ठाकुर जी लिखते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा, वहां पर होता है, आता क्या है, सहस्रानन मतलब जो शेष, वो कृष्ण का गुण गा रहे हैं, और पंचमुखे शिव, जो अपना 5 मुखों से शिव भी जो है भगवान का ही नाम कीर्तन कर रहे हैं। भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का दास बनना, ऐसा कोई विशेष भेद नहीं है। जो हमारे लिए वर्तमान कलयुग के जीवों के लिए भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा ही उनका सेवा संभव है, क्योंकि नाम और भगवान का स्वरूप दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान की सेवा मतलब नाम की सेवा, भगवान की सेवा मतलब नाम की सेवा, दोनों में कोई भेद नहीं है। नाम की सेवा मतलब भगवान का नाम करना। इस विशेष कलयुग में विशेष रूप से जो है भगवान नाम के रूप में ही अवतरित हुए, वो है ना, जिसमें बोलते हैं कि भगवान नाम रूपे अवतरी करिले करिले ना जीवेर जीवे दया करिले अपार, है ना। भक्तिनोद ठाकुर जी वहां पर, भक्तिनोद ठाकुर जी कीर्तन में सब कुछ है, जितने भी शास्त्र की वाणी है वो सब कुछ भक्तिनोद ठाकुर जी के कीर्तन में ही है। बोलते हैं कि निज गणे कृपा करी नाम रूपे अवतारे, जीवे दया करिले अपार। भक्तिनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि आप अपने लोग भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आप नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, और इसी माध्यम से सब जीवों के ऊपर अपने कृपा की, करुणा की। भगवान का नाम और भगवान स्वयं कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम करना मतलब भगवान की सेवा करना। इसलिए जो यहां पर शिव जी क्या सेवा करते हैं, वो दास बनना चाहते हैं, क्या सेवा करते हैं, अगर कोई पूछे तो हमेशा भगवान का चिंतन करना, भगवान का नाम करना, यही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। गुणगान करना, जो हम भागवत पाठ कर रहे हैं, चेतन चरितामृत का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेवा के अंतर्गत ही आता है। सेवा मतलब साधारणतः लोग समझते हैं कोई एक कार्य करने से सेवा है, है ना। सेवा मतलब कोई झाड़ू लगाना, खाना बनाना, या बर्तन साफ करना, या तो मंदिर का ये करना, विग्रह पूजा करना, सेवा मतलब ये समझते हैं। लेकिन प्रसाद पाना भी सेवा है। इसको बोलते हैं क्या, प्रसाद सेवा। प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जाए, बोलते हैं कि नहीं। प्रसाद सेवा मतलब क्या है, प्रसाद पाना, जो हम पाना जिसको बोलते हैं ना, खाना, प्रसाद को खाते नहीं है, प्रसाद सेवन करते हैं। क्योंकि
कोई जागतिक वस्तु नहीं है जिसको हम खा सकते हैं या पा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। जो वस्तु हमसे श्रेष्ठ है उस वस्तु का आदर करना है। इसलिए कोई कोई मठ में आप देखोगे, हम नीचे बैठते हैं प्रसाद ऊपर रहता है। आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं मालूम नहीं, ऐसा एक नीचे ही टेबल जैसे एक बना देते हैं, इस्कॉन में है, देवानंद गौड़िया मठ में है, प्रसाद श्रेष्ठ स्थान पर, इसलिए वहां पर ऐसा करके वो जो एक टेबल टाइप का बनाते हैं और उसके ऊपर भक्त लोग बैठ करके, मतलब उसके ऊपर प्रसाद रख करके भक्त लोग नीचे बैठ करके प्रसाद पाते हैं। क्योंकि बुद्धि इस प्रकार है, ये हमसे श्रेष्ठ वस्तु है, इसको हम क्या कर रहे हैं, भोग नहीं कर सकते हैं, प्रसाद को भोग नहीं कर सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन करना मतलब क्या है, भोजन करना भी भोग करना ही हो गया, भोजन करना ही भोग है ना। आंखों से भोजन करते हैं मतलब क्या करते हैं, भोग करते हैं, भोजन मतलब खाना तो नहीं, खाते हैं लेकिन खाद्य जो इंद्रियों को आनंद देने वाला। उसी प्रकार सारे इंद्रियों से हम खाते हैं, भोजन करते हैं, उसी प्रकार जिह्वा से हम भोजन करते हैं, लेकिन प्रसाद और भोजन एक वस्तु नहीं है। ऐसे हम आमतौर पर बात करें तो खाना खा लिया, खाना नहीं खाए, मठ में प्रसाद पाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं। तो पंजाबी लोग तो प्रसाद पा लिया जी, पा लिया है ना, वहां पर पा लेते हैं, तो लेकिन वास्तविकता में सेवा। तो जो हम करते हैं सब कुछ, भक्त लोग सोते हैं विश्राम करते हैं, वो भी सेवा है। कैसे कैसे सेवा है, जो कृष्ण का उद्देश्य से जो कुछ होता है वो सब सेवा है। कृष्ण का उद्देश्य कैसे, थोड़ा सा शरीर को थोड़ा आराम दे करके पुनराय उठने के बाद तुरंत सेवा में लग जाएगा, इसीलिए उसका सोना भी सेवा हो जाता है। गुरु महाराज जी वैष्णवों को सेवा सोना शब्द यूज नहीं करते थे, वैष्णवों के लिए गुरु जी व्यवहार करते थे विश्राम करना, वैष्णव लोग विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करना मतलब शरीर को थोड़ा आराम दे रहे हैं। सोना मतलब क्या होता है, तमोगुण में सोना, हार को तो घुमाई बे माया पिशा चिर को ले, हार को तो घुमाई बे, कीर्तन करते ना रोज, और कितना सोएगा माया पिशाची के गोद में, और कितना सोएगा। मतलब क्या है, सोना क्या होता है, तमोगुण का कार्य है, वो तमोगुण से वो होता है। लेकिन जो भक्त लोग कभी भी तमोगुण को स्पर्श कर नहीं सकता है, और भक्त भी तमोगुण के अंदर कभी जाते नहीं है, तो इसीलिए भक्त लोगों के लिए इस प्रकार व्यवहार होता है। हम तो साधारण लोग, हमें तो सोना पीना खाना हमारा तो यही चलता है, लेकिन भक्त लोगों के लिए हमेशा श्रेष्ठ शब्द, उनके लिए साधारण जागतिक शब्द यूज नहीं करना होता। इसीलिए जो साधारण भक्त लोगों का सोना या तो विश्राम करना भी सेवा के अंतर्गत है। क्योंकि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है भगवान का प्रीति विधान। शरीर थोड़ा क्लांत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये शरीर है, शरीर के लिए खाना जरूरत है, आराम जरूरत है, थोड़ा सैर भी जरूरत है, तीनों ही जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही जगह बैठा रहूंगा, होगा नहीं, उसका सैर भी करना पड़ता है, शरीर का धर्म है वो। उसी प्रकार मैं सब समय जो है सोता रहूंगा, मतलब जगता रहूंगा, वो भी नहीं होगा, उसको विश्राम देना पड़ेगा। जिस वस्तु का जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा, खाना सोना और थोड़ा टहलना, ये शरीर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। अगर नहीं करते हैं ये, तो वो सीधा हमारा मन के ऊपर असर करेगा, मन के ऊपर असर करेगा तो सेवा कार्य में विघ्न होगा। इसीलिए जो जिस वस्तु को जिसकी जरूरत है उसको वो सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कल हम बात कर रहे थे, मोबाइल को चार्ज करना है ना, चार्ज करना है तो फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, उसको व्यवहार करना है तो उसको चार्ज करके उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी तो काम करेगा।
वो वस्तु है उसको यूज करना है, शरीर भी तो वस्तु है, जागतिक वस्तु है, जड़ वस्तु है, आत्मा उसको यूज करेगा। मोबाइल को यूज करना है तो मोबाइल को चार्ज करना पड़ेगा, उसी प्रकार शरीर को यूज करना है तो शरीर को भी चार्ज करना पड़ेगा, किससे, इन तीनों वस्तुओं से। जरूरत पड़े तो औषध भी सेवन करना पड़ेगा, दवाई भी खाना पड़ेगा, वो भी भक्त लोग करते हैं, वो भी सेवा, इसलिए बोलते हैं औषध सेवन। और दवाई खाया नहीं, हम खाते हैं दवाई, औषध सेवन करते हैं, किस लिए, वो भी जिससे शरीर के अंदर कोई अस्वस्थता ना हो, जिससे वो जो भगवान का भजन कर सके। इसीलिए भक्त लोगों का प्रत्येक क्रिया वो साधारण जागतिक क्रिया नहीं है। अगर हमारे जैसा देखते हैं, हम जैसा करते हैं उसी प्रकार हमारा भी व्यवहार विचार होता है उन लोगों के प्रति भी, तो फिर वो ठीक नहीं है। इसलिए ये विचार हमारे हृदय के अंदर आना अत्यावश्यक है। भक्त लोगों का सब कुछ सेवा, और कुछ भी नहीं कर रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं, हरिनाम कर रहा है तो सब कुछ कर रहा हो। अगर कोई बोलता कुछ भी नहीं करता, वो हरिनाम कर रहा है कि नहीं, हरिनाम करता है, हरिनाम कर रहा है तो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि हरिनाम से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ सेवा नहीं है। नाम वाच्यम वाचक मृत्युदेति इत्युपेति, वाच्यम वाचक मृत्युपेति नाम स्वरूप द्वयम् पूर्वस्मात् परमेव हंतकरणम् तत्रापि जानीमः। बोल रहे हैं वाच्य और वाचक, भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है, भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। भगवान का नाम के सेवा मतलब भगवान का श्री विग्रह की सेवा, श्री विग्रह की सेवा और नाम की सेवा में कोई भेद नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद श्लोक में बोलते हैं पूर्वस्मात् परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमः, लेकिन मैं जानता हूं भगवान से भगवान का नाम और भी करुणामय है। क्यों, हरिस्थाने अपराधे तारे हरिनाम, भगवान के चरणों में श्री विग्रह के चरणों में सेवा अपराध हो गया, भगवान के साक्षात चरणों में भी अपराध हो गया, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने किया, जिस प्रकार इंद्र जी ने किया, भगवान के साक्षात चरणों में भी इस प्रकार कोई अपराध हो गया हो तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान का स्तव किया। भगवान का स्तव किया मतलब नाम लिया, भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर ये सब उन्होंने वर्णना किया, उससे जो है भगवान संतुष्ट हुए, उसी प्रकार इंद्रदेव भी। इसीलिए बोल रहे हैं यहां पर रूप गोस्वामी, मैं जानता हूं कि भगवान का, भगवान से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली है भगवान का नाम, इसीलिए मैं उस नाम का शरण ग्रहण कर रहा हूं। और हरिदास ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि भगवान का नाम जब जिह्वा पर स्फुरित हो जाती है तब जो प्रारब्ध कर्म है वो प्रारब्ध कर्म भी चला जाता है, और हेला के साथ, अवहेलना के साथ भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो फिर मुक्ति भी प्राप्त कर लेगा, वो मुक्ति भी प्राप्त कर लेगा। ये सब रूप गोस्वामी का नामाष्टक के अंतर्गत ही है, हरिदास ठाकुर ने जो बोला वही रूप गोस्वामी पद ने नामाष्टक में वर्णित किया, महाप्रभु ने जो बोला वही हरिदास ठाकुर ने बोला, और जो शास्त्रों में जो बोला वही महाप्रभु ने बोला। तो ये सब शास्त्र की ही वाणी है कि भगवान का नाम के अलावा और कोई श्रेष्ठ वस्तु जगत में है ही नहीं, भगवान की सेवा मतलब भगवान के नाम की सेवा। इसलिए यहां पर जो भगवान जो क्या नाम है शिवजी जो पंचमुख से भगवान का जो नाम कर रहे हैं वही उनकी सेवा है। और हम ये भी श्रवण करते हैं यहाँ पर रासस्थली में शिवजी गोपी बनकर के आए, है ना, प्रत्येक दिन हम गाते हैं क्या, जय जय गोपेश्वर वृंदावनम आज, गोपेश्वर गोपीश्वर शिव,
कोई कोई इसको बोलते हैं गोपेश्वर, ये गोपीश्वर है, गोपियों का ईश्वर, मतलब यहां पर शिव जी को बोला गया। गोपेश्वर मतलब श्री कृष्ण हो जाते हैं, गोपीश्वर मतलब शिव जी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज, जो वृंदावन के अंदर जो गोपीश्वर हैं, कौन सा स्थान है वो, उस स्थान का नाम क्या है जहां पर शिव जी आए थे सखी बन करके? वंशीवट, वंशीवट के पास जो है भगवान शिव गोपी बन करके वो आए थे, इसलिए भगवान के रासलीला में भाग लेने के लिए। जब आ रहे हैं, श्री कृष्ण सारा रास छोड़ दिया, रास छोड़ करके शंकर जी को स्वागत करने के लिए चले गए। सारे गोपियां तो एकदम स्तब्ध हो गए, क्या बात है, हम लोगों को छोड़कर कौन सा नया गोपी आ गई, अभी वैसे तो कोई है नहीं, तो जानते नहीं वो लोग, अपना गोपी मंडली को तो जानते ही है, लेकिन ये शिव जी जब गोपी बने उनको तो कभी देखा नहीं उन्होंने, ये नया गोपी कहां से आ गया जिसको इतना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं, जिसको हम जानते नहीं है इसको ये हम सबको छोड़ करके उनको स्वागत करने के लिए चला गया, वो क्या था? वो शंकर जी स्वयं ही गोपी बन करके आए हैं, इसीलिए उनको स्वागत अत्यंत मतलब बहुत स्नेह के साथ स्वागत किया। गोपीश्वर शिव, गोपियों में जो ईश्वर है, जो सदाशिव, वो भी इस प्रकार श्री कृष्ण की रास में भी उन्होंने सेवा की। तो बोल रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का दास का आशा रखते हैं और सब समय बोलते हैं मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, इस प्रकार शिवजी भी बोलते हैं। अब यहां पर अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिवजी के बारे में लिख रहे हैं, ये बहुत लोगों का कुछ संशय इस जो है अनुभाष्य पढ़ने से बहुत लोगों का संशय दूर हो जाएगा, शिवजी का तत्व क्या है वो थोड़ा इसमें क्लियर लिखा है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। श्री रुद्र एकादश व्यूह जथा अजयिकपात अहिब्रधु विरूपाक्ष वैरत हर बहुरूप देवश्रेष्ठ त्रयंबक सावित्र जयंत पिनाकी एवं अपराजित। जो 11 प्रकार के रुद्र के बारे में बोलते हैं, एकादश रुद्र, तो एकादश रुद्र के बारे में यहां पर उन्होंने उल्लेख किया कौन कौन है, उनका नाम लिखा। अजय का पात है अहिब्रधु विरूपाक्ष रैवत हर बहुरूप देवश्रेष्ठ त्रयंबक सावित्र जयंत पिनाकी और अपराजित, ये एकादश रुद्र है, 11 प्रकार के रुद्र। एवं अष्टमूर्ति जता पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र और सोम्याजी, और 8 मूर्ति, एकादश रुद्र और अष्टमूर्ति, अष्टमूर्ति यहां पर बोला पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र और सोम्याजी, ये जो है 8 मूर्ति है। तन्मध्ये प्राय रुद्र ही पंचमुख त्रिनयनो एवं दश बाहु, जो इसके बीच में जो रुद्र है वो रुद्र है पंचमुखी, उनका 5 मुख है और उनका त्रिनयन, उनके 3 आंख हैं और 10 बाहु, और 10 उनके बाहु है हाथ या भुज। कोनो कोनो स्थाने रुद्र के वो विधि न्याय जीव विशेष बोलिया कीर्तन कुरिया छे, कोई कोई स्थान में कोई कोई ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि वो जो रुद्र है वो रुद्र जीव तत्व में आते हैं। किस प्रकार, एक विशेष जीव है, मतलब एक साधारण हम जैसे जीव नहीं लेकिन एक विशेष जीव के अंदर वो आते हैं। भगवत अंश रूपे कीर्तन कराए शेषेर न्याय इहाउ मीमांसा कुरिते होइबे, अर्थात स्वांश शिव ईश्वर कोटि एवं संहारक रुद्र विभिन्नांश जीव। बोल रहे हैं जिस प्रकार शेषनाग है, शेषशाही है, शेषनाग जिस प्रकार भगवान का जो
क्या बोलते हैं स्वरूप है, जो संकर्षण है, संकर्षण का ही विस्तार भगवत स्वरूप शेष। उसी प्रकार रुद्र का भी एक ये भगवत स्वरूप तत्व है। वो क्या है, वो बोल रहे हैं उसका नाम ही शिव। वो शिव आते हैं ईश्वर के अंदर, और जो रुद्र हैं वो रुद्र आते हैं जीव के अंतर्गत। एक रुद्र जो है, एकादश रुद्र है ना, एकादश रुद्र, वो रुद्र जो आते हैं जीव कोटि के अंदर। और जिस प्रकार शेष नाग जो भगवान का स्वरूपांश है, उसी प्रकार भगवान का ही स्वरूपांश शिव या तो सदाशिव भी उस भगवत तत्व में ही आते हैं। भगवत अवतार पुरुषात्म रूप बोलिया जे वस्तुतः निर्गुण होयाओ तमोगुणेर जोगे जागत अतात्विको सर्वसाधारण लोकेर निकट आपाततः विकारिर्नाय प्रतीत होन। जो भगवान के जो स्वांश सदाशिव और उनके विभिन्न अंश रुद्र, स्वांश मतलब जो जो वैकुंठ जगत में जो आते हैं वो सब स्वांश में आते हैं, वो सदाशिव या तो शिव जो है उस स्वांश में आते हैं भगवान के। लेकिन उनका ही रुद्र जो है, रुद्र मूर्ति धारण करके जो इस जगत को जो वो संहार करते हैं, वो जीव कोटि के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार जो बोल रहे हैं, वही मायातीत शिव जब त्रिगुण से मिलित होने का जैसा प्रतीत होता है, प्रतीत होना समझते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा वो जो माया के साथ मिलित होकर के कार्य कर रहे हैं, जब इस प्रकार प्रतीत होता है, इस प्रकार लगता है, वो शिव जो है रुद्र है, वही जीव कोटि के अंतर्गत आते हैं। और जो सदाशिव है वो स्वांश भगवान का ही अंश। यथा श्री दशमे रुद्र निरंतर गुण साम्यावस्था रूप प्रकृति युक्त गुणक्षोभेर पर गुणत्रय युक्त एवं दूर होते गुणत्रय आवृत इति। इस प्रकार दो दशम स्कंद में, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में इस प्रकार वर्णन किया हुआ है। रुद्र निरंतर गुणसाम्य अवस्थाय अवस्था रूप प्रकृति युक्त। जो गुणसाम्य अवस्था, गुणसाम्य अवस्था मतलब सारे त्रिगुण हैं, मतलब जो सत्व रजतमुगुण साम्यता प्राप्त किए हैं। साम्यता प्राप्त किए मतलब जब समानता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इस प्रकार अवस्था है जहां पर कोई क्रिया नहीं संभव है। उदाहरण के लिए शायद मैंने पहले बताया था, एक ग्लास में पानी में चीनी मिलाया या तो नमक मिलाया, वो मिलाते मिलाते उसका एक दशा आ जाएगा और चीनी डालोगे तो भी वो मिलेगा नहीं, उसके अंदर घुलेगा नहीं। नमक और डालोगे तो और घुलेगा नहीं उसके अंदर, वो अलग ही रह जाएगा। वो उसको बोलते हैं साम्यावस्था। अगर उसको और कुछ मतलब उसके अंदर मिलाना है तो फिर उसका थोड़ा सा कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, जैसे उसको गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करने से थोड़ा और नमक मिल जाएगा उसके अंदर या तो चीनी मिल जाएगा, या थोड़ा उसका जो है वातावरण का परिस्थिति चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, इस प्रकार कुछ कुछ चेंज करने से जो है वो मिलता है। लेकिन जब साम्य अवस्था प्राप्त कर जाता है उस समय उसके अंदर कोई क्रिया और नहीं रहता, आप कितना भी डालो उसके अंदर और उसका क्रिया उसके अंदर नहीं रहता है, उसको बोलते हैं साम्यावस्था। इसी प्रकार त्रिगुण जब साम्यावस्था में प्राप्त कर लिया, मतलब और क्रियान्वित नहीं है, त्रिगुण क्रियान्वित होते जब जगत सृष्टि करते हैं या तो जीव कोटि का, जीव ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं, लेकिन साम्यावस्था में इस प्रकार उसका
कुछ क्रिया नहीं है। तो बोल रहे हैं उस त्रिगुणों का साम्य अवस्था में उनके साथ प्रकृति के साथ युक्त है, मतलब उसके साथ जुड़े हुए हैं साम्य अवस्था में। उसके बाद गुण क्षोभेर पर गुणत्रय युक्त, और जब वो त्रिगुण क्षोभित होते हैं, क्षोभित होते हैं मतलब अब एक्टिवेट हो जाते हैं, जब अभी साम्य अवस्था कुछ एक्टिवेशन नहीं है, एक डीएक्टिवेटेड मोड है, डिस्चार्ज्ड मोड है, उस डिस्चार्ज्ड या डीएक्टिवेटेड मोड में भी उसके साथ संग करते हैं, और जब एक्टिवेटेड मोड है क्षोभित मतलब जब एक्टिवेटेड मोड है उस समय भी रुद्र उनके साथ संयुक्त होते हैं। एवं दूर होते गुणत्रय समृत, और दूर से भी उनके साथ जो है उनका कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार रुद्र का ये तीनों स्थितियों में, मतलब साम्य अवस्था में, क्षोभित अवस्था में और दूरस्थ होकर, ये तीनों अवस्था में प्रकृति के साथ या तो माया के साथ, त्रिगुणों के साथ उनका संस्पर्श है। लेकिन इसका मतलब ये है, वो स्पर्श कर रहे हैं, मतलब जो यहां बोलने का तात्पर्य यह है कि जो शिव इन प्रकृति, इस प्रकृति से ऊपर है, ऐसा लगता है कि वो जो है माया के साथ मिलित है, लेकिन वास्तविकता में वो माया के ऊपर है, बोलने का तात्पर्य यह है। यथा ब्रह्म संहिताय दुग्धो जेमोन विकारो विशेषेरो जोगे दधि रूपे परिणत है, किंतु से दधि स्वकारण दुग्ध होते कखनोई पृथक वस्तु नय, तद्रूप जिनी संहार कार्येर निमित्त रुद्र रूपे अवतीर्ण हन अमी से आदि पुरुष गोविंदेर भजना करी। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, जिस प्रकार क्षीर, क्षीर मतलब दूध, जिस प्रकार दूध एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा दही बन जाता है, बनता है कि नहीं, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा वो बनता है, क्या खटाई उसके अंदर मिलाना है। लेकिन दही कभी भी दूध से पृथक वस्तु नहीं है। क्यों पृथक वस्तु नहीं है? क्योंकि उसका कारण ही दूध है। अगर वो दूध नहीं होता तो दही नहीं बनता, इसीलिए जो मूल कारण उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। यहां पर इस श्लोक में जो ब्रह्म संहिता का, जो ब्रह्मा जी ने जिस श्लोक बोला था वहां पर बहुत सारे श्लोक है, माया जी का स्वभाव के बारे में बोलते हैं, गणेश जी के बारे में बोलते हैं, शिव जी के बारे में बोलते हैं, जो भगवान स्वयं गोकुल नंदन श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में बहुत सारे श्लोक हैं, एक एक भगवान का तत्व के बारे में, ब्रह्मांड का भगवान के साथ किस प्रकार संबंध है, ये सब वहां पर वर्णन किया हुआ। तो यहां पर प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं जो शिव जी के तत्व के बारे में, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया उसके बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार दूध से दही बनता है, और जो उसका दही का जो मूल कारण जो दूध है उससे पृथक वस्तु नहीं है, ठीक इसी प्रकार जो भगवान गोविंद स्वयं संहार करने का कार्य के लिए रुद्र बनते हैं, भगवान स्वयं ही रुद्र बनते हैं, किस लिए? संहार कार्य करने के लिए। जैसे दही का अपना अपना प्रयोजन है, वो दही बनने के लिए दूध अपने आप को विकृत अवस्था में ला करके दही बन जाता है, जबकि दूध जो है एक जड़ वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु, उसके साथ किसी को मिलाना पड़ेगा। लेकिन उदाहरण तौर पे इस प्रकार बता रहा हूं, दूध अपने आप विकृतिशील होकर के दही बन जाता है, उसी प्रकार भगवान गोविंद स्वयं एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा वो रुद्र बन करके इस जगत का संहार कार्य करते हैं। मैं उस गोविंद का वंदना कर रहा हूं जो स्वयं ही संहार कार्य रुद्र के द्वारा कर रहे हैं, रुद्र बनकर कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी का श्लोक का तात्पर्य। तो इस अनुभाष्य में श्री प्रभुपाद जी जो शिव तत्व है, जो रुद्र है, इसके बारे में हमको बता रहे हैं। कोनो कल्पे विधीर लाट होते कोनो कल्पे वा
विष्णु ललाट होते रुद्रेर उत्पत्ति हो। जो ये रुद्र है, कोई कोई कल्प में ब्रह्मा का ललाट भाग से माथा, उस ललाट भाग से उनका जन्म होता है, और कोई 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 कल्प में विष्णु का कपाल से होता है, विष्णु का जो ललाट है वहां से होता है। कोई बोलते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे आया, कोई बोलते हैं विष्णु, दोनों ही सत्य है। मतलब इसमें प्रभुपाद जी बहुत सारे चीज क्लियर कर रहे हैं। कोई कोई लोग पूछते हैं शिव तत्व के बारे में, तो इसमें बहुत क्लियर हो रहा है कि कोई कोई कल्प में ये भी है, कोई कोई कल्प में वो भी है। कल्पावसाने संकर्षण होते हुए कालाग्नि रुद्रेर जन्म होया था के, और अन्य अन्य कल्पों में, मतलब कोई कल्प में ये तो कोई कल्प में, कोई कल्प में ब्रह्मा जी से तो कोई कल्प में विष्णु से, बोलते हैं अन्य अन्य कल्प में और अन्य दूसरा कल्पों में बोलते हैं संकर्षण से भी उनका उद्भव होता है। कोई कोई कल्प में संकर्षण से भी उनका उद्भव होता है, और उनका नाम वो कालाग्नि रुद्र, काल रूपी अग्नि जो रुद्र है वो संकर्षण से कोई कोई कल्प में उनका आविर्भाव। वायु वायु पुराण आदिते वैकुंठेर अंतर्गत शिवलोके सर्व कारण स्वरूप ओ तमोगुण संबंध रहित जे सदाशिव नामनी शिवमूर्ति प्रकाशित होया चैन तिनी स्वयं भगवान श्रीकृष्णेर विलास। और एक और जगह जो वायु पुराण है और अन्य अन्य पुराणों से, वहां से भी जो यहाँ पर प्रमाण उठा करके लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, वायु पुराण आदि के हिसाब से शिवलोक वैकुंठ लोक के अंतर्गत है। ये शिवलोक भी वैकुंठ लोक का एक हिस्सा है, एक भाग है, और वो तमोगुण से संबंधित नहीं है। जिस प्रकार जो रुद्र इस जगत को सृष्टि करने के, सॉरी संहार करने के लिए तमोगुण को वो स्वीकार करते हैं, उस वैकुंठ धाम में जो शिव है वो शिव तमोगुण से उनका कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार विष्णु का इस जगत का त्रिगुणों से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार वैकुंठ धाम में जो शिव है उनका भी इसके साथ कोई संपर्क नहीं है। और सर्व कारण स्वरूप, वो विष्णु भी सब कारणों का स्वरूप बनते हैं, क्योंकि यहां पर बताया गया है वो श्री कृष्ण के विलास मूर्ति है। श्री कृष्ण के विलास मूर्ति और प्रकाश मूर्ति हमने पहले श्रवण किया था। प्रकाश मूर्ति मतलब श्री कृष्ण के जैसे ही दिखने वाले। सुनो फिर से मैं कभी प्रश्न पूछूंगा, सोने से होगा नहीं। अब तो बोलेगा तो अच्छा वो था क्या, मैं भूल गया, कल जैसे त्रिगुण के बारे में आपको पता नहीं था ना, बाद में ओ अच्छा त्रिगुण होने से मैं बोल देता। प्रकाश विग्रह मतलब क्या है, प्रकाश स्वरूप मतलब क्या है, अभी बोला मैंने, बोलो। दो मिनट भी नहीं हुए। प्रकाश स्वरूप मतलब क्या है, भगवान के जैसे ही दिखते हैं जो भगवान के स्वरूप है वो प्रकाश मूर्ति। विलास मूर्ति मतलब भगवान से भिन्न दिखते हैं लेकिन उनका स्वरूप है, स्वरूपतः वही है लेकिन रूप अलग है। जैसे श्री कृष्ण का प्रकाश मूर्ति जो द्वारका में उन्होंने सब अलग अलग महर्षियों के महलों में उन्होंने अपना विस्तार किया, और सब में वही श्री कृष्ण मूर्ति, एक ही समान मूर्ति। और रासलीला के बीच में उन्होंने शतकोटि गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण बन करके उन्होंने विस्तार किया, वो भी प्रकाश मूर्ति, कृष्ण के जैसे ही दिखने वाला मूर्ति, उनका ही प्रकाश। मतलब स्वरूप भी वही है, रूप भी वही है, लेकिन विष्णु विलास मूर्ति, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये सबका अलग अलग रूप है। विष्णु और क्या नाम है हमारे, वामन नृसिंह इत्यादि, ये सब भगवान के स्वरूप हैं लेकिन रूप में अलग। इसको बोलते क्या, विलास मूर्ति। तो यहां पर रुद्र भी वो विलास मूर्ति है, इसीलिए उनका उनका स्थान कहां, वैकुंठ धाम में ही है शिवलोक, और वो है
कृष्ण का विलासमूर्ति और सर्व कारण स्वरूप, जितने भी कारण का स्वरूप, क्योंकि वैकुंठ धाम में जितने भी हैं सब मूल कारण है। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सबका कारण वैकुंठ लोक के लोग हैं, और उनका नाम बोल रहे हैं सदाशिव, जो शिव मूर्ति वहां पर है जो गोलोक धाम में सदाशिव। इसीलिए जो वैष्णव लोग जो शिवजी का अर्चन करते हैं ये सदाशिव जी का ही करते हैं, रुद्र को नहीं करते हैं। जो तमोगुण में युक्त जो रुद्र है उनकी उपासना नहीं करते हैं, लेकिन जो सदाशिव जो वैकुंठ धाम के ही जो शिव है उनकी उपासना करते हैं। और वैष्णवानाम यथासंभव, जो वैष्णव है वो भगवान के सेवक हैं, इस भाव से भी उनका सेवा की जाती है। श्रीमद् भागवत में ही श्लोक है, निम्नगा यथा गंगा, जिस प्रकार जो गंगा निम्नगा नीचे प्रवाहित होने वाली है, देवतानाम यथाच्युत, देवताओं के बीच में अच्युत भगवान श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव है उनके अंदर शंभु वो श्रेष्ठ हैं। पुराणानाम इतस्तथा, सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ श्रेष्ठ है। इस प्रकार भागवत में एक श्लोक आता है, सारे पुराणों में ये श्रेष्ठ है। जितने भी निम्नगा, निम्नगा मतलब नीचे प्रवाहित होने वाले, नीचे प्रवाहित होने वाले मतलब नदी, जितने भी नदियां हैं उसमें गंगा श्रेष्ठ। निम्नगानाम यथा, निम्नगा यथा गंगा, जो नीचे प्रवाहित होने वाले मतलब जो नदियां हैं सारे नदियों में श्रेष्ठ गंगा, सभी देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत, वैष्णवों में श्रेष्ठ शंभु, पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए जो शंभु या तो शिव का उपासना वैष्णव लोग करते हैं वो है सदाशिव, जो वैकुंठ धाम में रहने वाले हम लोग, इसीलिए क्षेत्रपाल शिव, क्षेत्रपाल शिव है यहां पर और वहां पर भी, सब सब क्षेत्रों में है क्षेत्रपाल शिव है, मार्कंडेय शिव है, यमेश्वर शिव है, कहां पर पुरी में यमेश्वर शिव है, मार्कंडेश्वर शिव है वहां पर, और जो वृंदावन में कितने शिव है, वृंदावन में तो बहुत सारे शिव है, चकलेश्वर शिव, चार शिव है जो चार दिशाओं में, एक एक दिशा में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चकलेश्वर शिव, चकलेश्वर शिव है, गोपीश्वर शिव है, और देखना पड़ेगा, चार प्रकार के शिव उधर भी है। तो ये सब जो शिव जिसकी उपासना हम करते हैं क्षेत्रपाल, ये सब जो है क्या, सदाशिव, सब वैकुंठ धाम के निवासी कृष्ण के विलास मूर्ति। वायुपुराण क्या पुराण, वायुपुराण इत्यादि ग्रंथों में इसका उल्लेख है। यथा ब्रह्म संहिताय आदिशिव कथने उक्त होइया छे, और ब्रह्म संहिता में आदिशिव के बारे में बताया गया, क्या बताया, नियता भगवत स्वरूप भूता अनपायिनी एवं बशंगवदा श्री रमा देवी जाहार प्रेयसी सनातन ज्योति रूप। टाइम हो गया, जल्दी हो गया। जाहार प्रेयसी सनातन ज्योति रूप भगवान शंभु से ही स्वयं रूपी अंग विशेष, बोल रहे हैं जो कंट्रोलर, जो सबको कंट्रोल करने वाली, भगवत स्वरूप भूता, जो भगवान का स्वरूप से उद्भूता, जो जिन्होंने जन्म लिया, अनपायिनी मतलब जो जिनका कोई जो कभी खत्म नहीं होते हैं मतलब नित्य रहने वाले, रमा देवी, उन रमा देवी का, वो रमा देवी जिनकी प्रेयसी है कौन, विष्णु, मतलब यहां पर डायरेक्टली विष्णु का नाम नहीं बोल करके इस प्रकार उस प्रकार बता रहे हैं, जो नित्य रहने वाली, जो भगवान के स्वरूप अंशिनी, और जो है नियता
जो रमा देवी उनका प्रिय मतलब विष्णु, उन विष्णु का ही सनातन ज्योति रूप भगवान शंभु स्वी स्वयं रूपे अंश विशेष अंग विशेष बोल रहे हैं, वो विष्णु का ही विशेष अंग अंग विशेष है शंभु, जो आदि शिव के बारे में बता रहे हैं। वो शिव जो है, जो सनातन ज्योति रूप भगवान और जो लक्ष्मी जी की प्रेयसी जो विष्णु हैं, उनका ही जो स्वयं रूप अंग विशेष, जिनी जोनी अर्थात जोनी स्थानीय अंश महामायार बा महद आदि तत्वेर उत्पत्ति स्थान तिनी अथवा अर्थात त्रिगुणमयी प्राधान्य शक्ति इत्यादि। और वहां पर ब्रह्म संहिता में इस प्रकार बताया, मतलब ये शिव के बारे में और माया शक्ति के बारे में इस प्रकार बताया, जो क्रिया शक्ति माया शक्ति जिनको योनि बताया गया, विश्व योनि मतलब क्या है कि जिस स्थान पर जीवों का उत्पत्ति है वो महामाया, और वह महद आदि तत्व का उत्पत्ति स्थान कौन है? शिव। शिव के बारे में इस प्रकार भी बताया गया, जो माया का योनि में जो सारे जीवों को उत्पत्ति करने का जो मूल शिव है, इस प्रकार भी बताया गया है। वो इसीलिए पहले ही बता दिया कि सब कारणों का कारण जो भगवान का जो विलास स्वरूप है वो शिव भी सब कारणों के कारण है। ये है शिव तत्व के बारे में यहां पर बताया। तो अभी जो है समय तो हो गया, तो और यहां पर विश्राम देते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च वक्रेश्वर नाना वक्रेश्वर शिव वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमारतम श्रील परम गुरु महाराज की जय। परमारतम श्रील गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।